अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। हम इस समय खड़े हैं खैरिया जिले के कोछा क्षेत्र, गांव का नाम है महादेव रायपुरवा। यहां पे 24 जुलाई 2017 को 17 बच्चे बालक करंट लगने से मौत हो गई, लेकिन उसकी माँ का आरोप है कि गांव के ही 2 लोग ने जहर देके मार डाला है। फिर 2 दिन पहले हाईकोर्ट से आदेश आया कि लाश को खोज कर पोस्टमार्टम किया जाए। यहाँ पे आज उसकी लाश को खोज कर पोस्टमार्टम के लिए पुरानी अदावत से इन लोगों ने हमारे बच्चे को मारे। किसने मारा? जहर देकर। उस दिन हम अपने भाई साहब को राखी भेजने गई थी फैजाबाद। हमारे हस्बैंड लोग अपने काम पे गए थे और लड़कियाँ 4:15 तक ठीक ठाक था। फ़ोन किया, पूछा था कि मम्मी आ रही हो? मैं बोली आ रही हूँ। बोले पापा आ रहे हैं? मैं बोले पापा भी आ रहे हैं। कहें ठीक है। मैं बोली क्या करने जा रहे हो? कहें कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। बस ठीक 6 मिनट बाद विपक्षी लोग ने फ़ोन किए कि तुम्हारे लड़के का सांस अटक गई है, जहाँ गई हो तहाँ चले आओ। मैं तुरंत रोने लगी, मैं जान गई। मैं बोली कि विपक्षी लोग पुरानी अदावत को लेकर मेरे बेटे को मार दिए थे। तो किसी लोगों पे शंका भी है? शंका 2 लोग पे था, उसका नाम भी डलवा गया है। क्या नाम है? सुपूजन राय और रामचंद्र राय। आप लोगों ने मतलब उनपे क्या शंका, मतलब क्या रिपोर्ट दर्ज कराई कि कैसे? कुछ दिन पहले उनके खेत में हमारी पड़ी चली गई थी ना, तो धमकी दिए थे 2 साल में तुम इस मारेंगे, तुम दिन भर रहोगे, मतलब पूरी जिंदगी रहोगे। तो उसी पे शंका था। एक बार नहीं 2 बार धमकी भी दिए थे, तो इसीलिए उनको दिखाया गया। मतलब आपको क्या लगता है कि कैसे मारे? मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें दोनों की शंका है। 2 लाख रुपये भी दिए गए मारने के लिए, 2 लाख दिए गए। और समय जिस समय मारा गया था उस समय कोई भी घर पे नहीं था। घर पे कोई नहीं था। ये घटना हुई तो हमारे पास टेलीफोन आया कि प्रधान जी ऐसा है कि रायपुरवा में पहले अफवाह हुई कि सांप काट लिया, मर गया, सांप काट लिया। लेकिन फिर बाद पता लगा नहीं, उसको करंट पकड़ लिया था। मतलब खाना खा रहा था, उसमें पंखा गिर गया, पंखे से जो है मतलब उसको करंट लग गया, उससे मर गया। तो 15-20 दिन बाद जो है आधा घंटा बाद मैं गया वहाँ पे, तो गांव वाले सब ने निकाल करके जो है उसको बाहर किए थे। उसके बाद पूरे पब्लिक 250-300 आदमी जुटे थे वहाँ पे। तो हाँ, 200-300 आदमी जुटे थे वहाँ पे। तो देखे तो लोगों ने कहा कि इसको लेके चलो, इसको लेके जाओ वहाँ पर CST। अभी इसमें बताया कि अभी इसके शरीर गर्म है, क्या है। बहरहाल लेके गए CST वहाँ से। वहाँ पे शायद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मिट्टी लिए नहला रहे थे तो देखे इसके जो है मतलब जब नहला रहे थे इसके इसमें जंगा पे जो है मतलब लगभग 3 इंच में और 3 इंच में लगभग इसके जो है मतलब काले धब्बे, काले का निशान था, मतलब जल गया था। जैसे गांव के 2 लोगों के भाई पटीदार हैं, उनसे जमीनी अदावत है, उसी यही सब मामला है। दिनांक 24 जुलाई 2017 को अवधेश राय पुत्र जयप्रकाश राय ग्राम कोछा महादेवपुरवा का देहांत हो गया। और शुरू में बताया गया कि संभवतः बिजली लगने से मृत्यु हो गई और इनको इन्हीं के परिवार वाले लोगों के द्वारा दफना दिया गया। बाद में संदेह व्यक्त किया गया कि पता नहीं किस कारण से मृत्यु हुई और अपील की गई। फिर न्यायालय के आदेश के बाद 156(3) के तहत 29/12/17 को 18/12/17 को ये FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज होने के बाद फिर उसके बाद उनकी अपील की गई कि लाश को खोदा जाए, कि PM रिपोर्ट, बिसरा रिपोर्ट की जांच कराई जाए और इस संबंध में राय ली गई, शासकीय अधिवक्ता से राय ली गई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद महोदय के प्रस्ताव के आधार पर जिलाधिकारी महोदय फैजाबाद द्वारा आदेश दिया गया और फिर उप जिलाधिकारी महोदय बीकापुर के आदेश अनुसार यह करके फिर लाश की खुदाई की जाएगी और इस खुदाई से ये सत्य का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा, वास्तविक रूप से कौन अपराधी था या नहीं था, इस तरह से सत्य को जानने की कोशिश की जा रही है।